আমরা রয়েছে আসানসোল সেন্ট প্যাট্রিক্স হাই স্কুলের ছাত্র অভয় কুমার সিঙ্গানিয়ার বাড়িতে। এবং যে এখন পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে যে আইসিএসসিতে রাজ্যের মধ্যে তো বটেই এবং দেশের মধ্যেও তার মেধা তালিকায় নাম এসেছে, এবং আমরা তার সঙ্গে বসে আছি, আমরা একটু কথা বলবো অভয়ের সঙ্গে। অভয়, যাব শুনে কেসে লাগা, কেসে মেসুস হওয়া? বহুত জাদাই খুশি হওয়া, মুঝে বিলিভ নি হওয়া কি মে টপ কিয়া হু, বাকি রিজাল্ট দেখে তো বহুত জাদা খুশি হুয়াই থা মুঝে, আর জব পতা চলা কি মে টপ কিয়া তো মেরি খুশি কা কোই ঠিকানা নাই থা। एक्सपेक्ट किया था ऐसा रिजल्ट? हाँ, मैंने अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था, पर मैं टॉप कर जाऊंगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, क्या कौन कितना परसेंट आया? तो मुझे 99.6% आया। और कौन सा सब्जेक्ट में क्या नंबर मिला? मुझे 5 सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स मिला, फुल मार्क्स। और मैथ्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ऐसा हॉबी क्या था आपका? मेरा हॉबी लाइक आई लाइक स्टडिंग, और उसके अलावा मुझे मैं मोबाइल यूज़ करता था, स्मार्टफोन फॉर एंटरटेनमेंट, एंड मुझे स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस पसंद था, और आई यूज़ टू पेंट समटाइम्स। ट्यूशन टीचर मेरे बहुत अच्छे थे, और मेरे स्कूल के टीचर तीन ट्यूशन्स किया था मैंने, इंग्लिश और साइंस और मैथ्स, तीन वाला ट्यूशन। और मैंने लास्ट 6 मंथ्स में ट्यूशन लिया था, उसके पहले मैंने लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं लिया था। अच्छा, ऐसे क्लास में कभी स्टैंड क्या स्टैंड करते थे? मैं अप टू क्लास 9 में 2nd या 3rd स्टैंड करता था। 10 से 10 में बोथ सेमेस्टर आई स्टूड फर्स्ट। स्कूल का कितना इसमें सपोर्ट था? स्कूल में पूरा सपोर्ट था, टीचर्स बहुत एफर्ट डालते थे, कंटिन्यूसली रिविजन कराते थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर पे पूरा जोर देते थे, और पूरा एफर्ट देते थे, चाहते थे कि स्टूडेंट अच्छा करे। कितना टाइम देते थे पढ़ाई के लिए? मेरा मोस्ट ऑफ टाइम मेरा पढ़ने जाता था, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था कि मैं इतना देर पढ़ता था, जब मन करता था तो पढ़ता था, बाकी जब नहीं पढ़ता था तो मैं ब्रेक ले जाता था, कुछ और अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता था, बट मोस्ट ऑफ टाइम आई यूज़ टू स्टडी। स्टूडेंट जो लोग आईसीएससी में देगा, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने एक्सपेक्टेशंस को हाई रखो, और अपने काबिलियत पे भरोसा रखो कि तुम कर सकते हो। मतलब डोंट बी सेटिस्फाइड विथ लेस मार्क्स, मतलब तुमको 90% आ गया, तुमको सबको बोल दिया भाई तुम तो बहुत अच्छा किया, तुम तो बहुत अच्छा किया, तुम तो उसी में संतुष्ट हो गए, उससे तुम कभी डीम ही नहीं करोगे। रुकना नहीं चाहिए। मेरे 9 में भी 90% आते थे, वो भी अच्छे थे, सबकी मेरी तारीफ़ करते थे, पर माई मॉम एस्पायर्ड कि मैं और ज़्यादा अच्छा करूँ, मैं स्कूल में टॉप करूँ, मुझे 99% आए, तो वही एस्पिरेशन की वजह से मैंने अपने आप पे जोर दिया, और कंटिन्यूस एफर्ट की वजह से मेरा ड्रीम पूरा हुआ, मेरी मम्मी का भी ड्रीम पूरा हुआ। एकदम ही, तई मायर অনুপ্রেরণা ছিল এবং প্রথম থেকে ও বলছে যেটা, এবং আগামী যে ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদের জন্য বলছে যে থামা চলবে না, পড়া চালিয়ে যেতে হবে এবং নিজের স্বপ্নে লক্ষ্য রেখে, স্বপ্নকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা একটু অভয়ের মায়ের সঙ্গে কথা বলবো। আপনার লড়কা ইয়ে রেজাল্ট কিয়া, আপনার ইয়ে এক্সপেকটেশন থা? স্যার, হাম উসসে বহুত উম্মীদ রাখতে থে, আর এক চিজ মেরে বেটে মে থা, আগর মাইনে কাহা কি বেটা আপকো ইয়ে করনা হ্যা, তো মেরা বেটা বলতা থা ঠিক হ্যা মাম্মা হাম করকে দিখায়েঙ্গে আপকো, বেটা ইস সাবজেক্ট মে ইতনা মার্কস লানা হ্যা, তো মেরা বেটা লাতা থা, ইসিলিয়ে উসসে বহুত উম্মীদ থি। और इतनी उम्मीद नहीं थी कि आज मेरा बेटा वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा रिजल्ट करेगा और ऑल इंडिया में 2nd आएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। आज मेरे बेटा ने बहुत बड़ी खुशी दी है मुझे। और क्या एक्सपेक्टेशन है बेटे के लिए? सर, अभी तो बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन है उसके लिए मेरे को, अभी तो क्या बोले आपको हम, अभी तो उसको बहुत बनना, अभी तो सिर्फ ये रिजल्ट अच्छा किया है, अभी उसको बनना है, उसके पैरों पर खड़ा होना है। वेरी प्राउड ऑफ माई सर। आज तो जन्मदिन है, जन्मदिन बर्थडे है, बर्थडे के साथ टॉप किया है, डबल खुशी हो रही है। तो फ्यूचर प्लानिंग में क्या बताना चाहेंगे आप लड़के को? फ्यूचर प्लानिंग, मेहनत करते रहो, मेहनत करो, मेहनत का रंग मिलेगा, फल भी मिलेगा। आपका आप फादर होकर कितना टाइम दे पाए उसको? सही पूछिएगा तो मैं टाइम नहीं दे पाया, मैं अपने जॉब में बिजी रह गया। एक्चुअल मेहनत मेरी वाइफ ने किया, इसकी मदर ने, टोटल गाइडेंस उसी का था, बाकी स्कूल वगैरह का तो हेल्प था ही, घर का अगर गाइडेंस बोलिएगा तो टोटल इसकी मदर का देना।
সফলতার সঙ্গে প্রথম হার্ডেল ক্রস করেছে অভয় এবং তারপরে আগামী দিনে আরও অনেক লড়াই বাকি, আরও অনেক স্বপ্ন দেখা বাকি এবং সেই স্বপ্নে সে সার্থক হোক এমনটাই শুভেচ্ছা আমাদের পক্ষ থেকেও থাকলো। আসানসোল থেকে তারক চট্টোপাধ্যায়, ইটিভি ভারত।